हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और कहानियां बताती हूँ जो लोगों ने रियल लाइफ में फील किए हो। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए। तो आज का जो किस्सा है वो उत्तर प्रदेश से कोमल भेजती है। वो बताती हैं कि उनके जो हस्बैंड है वो बहुत देसी टाइप के इंसान हैं और जो भगवान को बहुत मानते हैं और पूजा पाठ करते हैं और कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे भी किसी को नुकसान हो या कोई भी बुरी भावना किसी के लिए बने। वो बताती है कि उनका जो फ्रेंड था उनको एक शादी में लेके जाता है, गाँव की शादी में। जो वो फ्रेंड था वो बेसिकली काम से जी चुराता था और वो सोचता था कि मुझे कुछ ऐसा काम मिल जाए जल्दी से जिसे मैं पैसा कमा सकूं। और जो मेरे हस्बैंड थे वो बहुत कामकाजी थे, वो इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि मैं काम करूं और फिर पैसा कमाऊं। लेकिन जो उनका फ्रेंड था वो शॉर्टकट्स पे बिलीव करता था। तो उनके फ्रेंड ने बहुत इंसिस्ट किया, चलो मैं तुम्हें गाँव की शादी दिखा के लेके आता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, क्योंकि उनके फ्रेंड थे तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम चलते हैं। बताती है कि जैसे ही वो शादी से वापस आए तब से ना उनके साथ कुछ ऐसी हैपनिंग होने लगी कि वो कहते हैं कि रात में उनको एक साया दिखता था, जिस साये से डरकर ना वो खाना खा पाते थे ना वो अच्छे से सो पाते थे। क्योंकि जैसे ही वो सोने लगते थे वो कहते थे कि वो साया मेरा पीछा कर रहा है और मेरे को उससे डर लग रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। और वो हमेशा उलझे उलझे रहने लगे और एकांत में जाके बैठते थे। वो इतना डर जाते थे कि मतलब पूरी रात वो जग जग के निकालते थे। वो कहते थे कि जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ वो साया मेरा पीछा करता है। हम बड़े परेशान हुए, हमें समझ नहीं आया हम क्या करें क्या ना करें। लोगों ने हमें बोला कि झाड़ फूक करवाओ, हमने जो भी तांत्रिक वगैरह है हमने उनको बुलाया और जो भी हम करा सकते थे हमने सब कुछ कराया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिला। हम इतने परेशान हुए थे, मेरे हस्बैंड सोने के लिए तरस गए थे। वो कहते थे कि मेरी आंखें भरी हुई है नींद से, मुझे नींद आ रही है लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं सोऊंगा तो वो साया मेरा पीछा फिर से करेगा। वो डरे डरे ही रहते थे, सहमे सहमे ना किसी से बात करनी, बस परेशान परेशान परेशान। तब इतने परेशानी में हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया क्योंकि उनको नींद बहुत ज़रूरी थी। ऑब्वियसली कोई भी इंसान अगर इतने दिनों से परेशान में सोए ना तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। तो डॉक्टर ने उनको नींद आने की गोली दे दी। अब उनकी ये हैबिट बन गई कि वो नींद की गोली ले और सोए, नींद की गोली ले और सोए। लेकिन कब तक ये सब चल पाता। मैं इतना टूट गई थी कि मैं हनुमान मंदिर गई, हम भगवान जी को बहुत मानने वाले लोग हैं, मैंने भगवान जी को बोला कि ये सब जो भी हो रहा है ये मेरे परे के बाहर है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, या तो आप दिशा दिखाइए या मुझे कुछ उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। वो कहती है कि ये बातें मैंने करी उस दिन और रात में ना हनुमान जी मेरे सपने में आए। तो उन्होंने बोला कि सपने में ही उन्होंने बोला कि प्रभु का नाम लो, प्रभु सब ठीक कर देंगे। तो वो बताती है कि 21 दिन तक का मैंने जाप शुरू किया, सीताराम का जाप शुरू किया, उसके बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। तो वो बता रही है कि 21 दिनों के अंदर अंदर उनके हस्बैंड की तबीयत काफ़ी सुधरने लगी, इतनी सुधरने लगी जैसे जैसे उन्होंने एक्चुअली पंडित जी से बात करी थी। जैसे पंडित जी होते हैं ना कि हम परेशान हैं मंदिर में जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत आपको उपाय बता देते हैं, घर में जैसे नेगेटिव एनर्जी आ गई है तो कपूर जला लेना, लौंग रख लेना उसके ऊपर, 7 लौंग रख लेना। तो वो बताती कि पंडित जी ने हमें थोड़े से उपाय बताए कि इनके ऊपर वार किए रख दो, इस तरह से कर लो। तो उससे हमें बहुत हेल्प मिली और साथ में हमने ये जो जाप किया 21 दिनों के बाद, आप मतलब सोचने वाला यकीन नहीं करेगा कि सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये किस्सा हमारे साथ हुआ, ये हमने अनुभव किया, ये एक्सपीरियंस हमने लिया कि हमने नाम जाप से जो हमारे ऊपर ये साया, प्रेतात्मा जिसका भी साया था जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड सो नहीं पा रहे थे वो दूर हो गया। 21 दिनों में मेरे हस्बैंड नॉर्मली बिहेव करने लगे और ये जो भी कुछ हो पाया है ना
ये हमारा सीताराम के नाम से हो पाया है। तो मैं आज उन लोगों से ये गुजारिश करूंगी जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, तो आप उसके लिए उपाय ढूंढो। उपाय क्या है? उपाय है राम का नाम लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। आपको ऐसा है, देखिए हमें अपने कर्म तो काटना ही है, हंस के या रो कर, तो आप राम नाम का जप करके भी काट सकते हैं और इसका कुछ फायदा आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो अगर आपके पास ऐसा ही कोई किस्सा अनुभव हो तो मेरी नीचे दी गई मेल आईडी पे जरूर शेयर करना, ताकि जो लोग डिप्रेस है, परेशान है लाइफ को लेके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, उनको हम एक उम्मीद जगा सके कि अभी भी जिंदगी बाकी है, आप जी सकते हैं, बस आप रास्ता सही चुनिए। तो हम उनके ऐसे फ्रेंड्स बनने की कोशिश करते हैं जो अच्छी डायरेक्शन चूज कर सके, और कोई ऐसा काम ना करे, ऐसा बहुत लोग कर जाते हैं, इतने परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, कहते हैं कि हमारा मन कर हम सुसाइड कर ले परेशानी में, तो ऐसे लोगों के लिए कि होप का काम करता है, भगवान का नाम होप का काम करता है, तो ऐसी होप आप और हम बन सकते हैं। आप अगर अपनी कहानियां, किस्से, अनुभव हमें शेयर करेंगे तो हम लोगों को ये किस्से अनुभव बता सकते हैं, तो इस नेक काम में आप भी शामिल हो जाइए, कुछ पुण्य कमा लीजिए। तो ऐसे ही कुछ हो तो आप मुझे मेरी नीचे दी गई मेल आईडी पे जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।